कराची के काम वाम निकल आए हैं काफी सारे, तो कराची घूम फिर के आते हैं और जो काम है हमारे वो भी करके आते हैं। लेकिन बिरयानी खाने के बाद बारी है अब गरम गरम समोसों की। जो बंदा कराची सदर आता है, पबजी जो लवर है उन्हें इनकी सख्त सख्त जरूरत है, और इसी के बारे में आपको बताने लगा हूँ। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 24 मेगापिक्सल है, उसका जो बैक कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमिर आरई और आप देख रहे हैं YouTube चैनल हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक और खैरियत वाफियत के साथ होंगे। तो आज का जो सीन है वो सीन ये कि आज हम जा रहे हैं कराची। कराची गए को 3 महीने हो गए हैं, ऐसा लगता है जैसे काफ़ी अरसा हो गया है कराची नहीं गए हैं। कराची के काम वाम निकल आए हैं काफ़ी सारे, तो कराची घूम फिर के आते हैं और जो काम है हमारे वो भी करके आते हैं। लेकिन उन कामों के साथ साथ हमने एक अदद मोबाइल लेना है छोटे भाई ने, तो जो मोबाइल है वो हम कराची जाकर ही देखेंगे। मोबाइल हमने सोचा हुआ वो हमारे जहन में कौन सा लेना, लेकिन शायद जाके वहाँ जाके हमारा थोड़ा जहन शहन तब्दील हो जाए, कुछ नया नज़र आ जाए। तो ट्रेनों में रश वश बढ़ा है, मैं व्लॉग सर ट्रेन में नहीं बनाऊँगा। तो अब हम डायरेक्ट मिलेंगे कराची, तो मैं आपको कराची मिलता हूँ। तब तक आपको कोई काम नहीं है, आपको एक ही काम है, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं जब तक कराची पहुंचता हूँ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर ना देखिएगा। तो मिलते हैं कराची पहुंचकर। 6 hours later फाइनली कराची पहुंच गए हैं बड़ी कुत्ते वाली खजर सवारी करने के बाद। तो अभी नाश्ता वास्ता कर लें, नहाइयां धोइयां कर लें, फिर आपसे मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। 3 hours later नाश्ता करने के बाद हमने 2 दिन जरूरी काम निपटाने थे, जो अपने भी थे कारोबारी भी थे, उनसे अलहमदिल्ला फारिग हो चुके हैं। और अब लग चुकी है बहुत ज़्यादा भूख, तो बिरयानी शरानी हमारी आ चुकी है, बिरयानी खा के फिर चलते हैं हम मोबाइल मार्केट, मोबाइल लेना है। तो खाना खा के फिर हम डायरेक्ट मोबाइल मार्केट चलेंगे। बिरयानी खाने के बाद बारी है अब गरम गरम समोसों की। जो बंदा कराची सदर आता है और गुल प्लाजे का समोसे ना खाए तो समझो उसने कुछ नहीं खाया, समझो उसने कराची आके धक्का ही खाया है। ये है कराची गुल प्लाजा के मशहूर समोसे। समोसों के बाद बारी है अब चाय की, है गरम गरम चाय। मोबाइल मार्केट आ चुकी है और मैं जिनसे मोबाइल लेता हूँ वो ये हमारे साकिब भाई हैं, सदर अम्मा टावर। मुझे अपने लिए कोई भी मोबाइल चाहिए था तो मैं साकिब भाई के पास आता हूँ, और आज भी हम तो लाइक नए मोबाइल की परचेजिंग के लिए आए हैं। और अभी हमने जो मोबाइल लेना है वो देखना शुरू कर दिया हुआ है, वो अली भाई देख रहे हैं मोबाइल। और मुझे भी अपने मोबाइल के अंदर थोड़ा बहुत काम शाम करवाना था, क्योंकि जब ये मैंने मंगवाया था अर्जेंटली मंगवाया था, तो इसमें कुछ काम रहता है वो भी इसकी सेटिंग वेटिंग करवाते हैं इसके। तो पहले साकिब भाई से थोड़ी डीलिंग शीलिंग कर लें, देखते हैं क्या दे रहे हैं आज हमें और क्या हमें आज नया मिलने को देखने को मिल रहा है। फाइनली जी मोबाइल सेलेक्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मोबाइल गया अब अपग्रेड होने के लिए। तो जैसे मोबाइल अपग्रेड होके आता है, सेटिंग वेटिंग होके आती है, तो इंशाल्लाह आपको भी दिखाते हैं कि हमने वो क्या चीज़ ली है। मोबाइल ख़रीदारी करते करते हमें कतन एहसास ना रहा कब दिन के उजाले से रात का अंधेरा छा गया, और हमें यह भी एहसास हुआ कि ट्रेन का वक्त भी करीब आता जा रहा है। हमने फौरन वहां से राह फरार इख्तियार की और ऑटो लिया, और हम अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हुए। और फिर करीबी रेस्टोरेंट पर पुरतकल्लुफ़ खाना खाया। खाना खाने के बाद गरम गरम एक कप चाय का कप पिया, जिसकी वजह से हमारे दिन भर थकन दूर हुई। उसके फौरन बाद हम पहुंचे कैंट स्टेशन पर, जहां हमारे इंतज़ार में ऐसा लग रहा था सिर्फ हमारे इंतज़ार में ट्रेन पहले से मौजूद है। हम जैसे ही कैंट स्टेशन पर पहुँचे, ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए तैयार थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे ही इंतज़ार में खड़ी हो और हम ट्रेन में सवार। बाकी की मुलाकात आपसे मेहरापुर जाकर करेंगे इंशाल्लाह। The next day.
फाइनली दोस्तों हम कराची से वापस आ चुके हैं और हमने जो ख़रीदारी की थी उनमें एक मोबाइल था जो हमने आपको पहले बताया था कि हम मोबाइल भी लेने जा रहे हैं। तो जो हमने मोबाइल सेलेक्ट किया वो है वन प्लस नाइन। इससे पहले हमारे पास वन प्लस सिक्स भी है, वन प्लस सेवन भी है, वन प्लस एट भी है, लेकिन ये नया मॉडल है वन प्लस नाइन, जिसकी पबजी लोगों को, पबजी जो लवर हैं उन्हें इनकी सख्त सख्त ज़रूरत है। और इसी के बारे में आपको बताने लगा हूँ। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 24 मेगापिक्सल है और उसका जो बैक कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल है। और इसका जो गिलास है वो गोरिल्ला 5 है और ब्लैक कलर में है और ये ड्यूल सिम है। और इस मोबाइल के अंदर एक खास बात है कि 90 FPS से है भाई, ये DSLR कैमरे के अंदर ये चीज़ें आती हैं जो इसके अंदर है 90 FPS। और इसकी 12 GB रैम और 256 GB मेमोरी है। ये पबजी लवर के लिए एक बेहतरीन चीज़ मार्केट में आई है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कराची से एक दुकानदार से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको मार्केट से बारात देगा। अगर आप मेरा नाम लेंगे तो इंशाल्लाह आपको मार्केट से खसूसी डिस्काउंट मिलेगी। अगर आप अपने भाई आमिर का नाम लेंगे तो, वरना आपको मार्केट रेट मिलेगा। एड्रेस जो है वो आपको मैंशन कर दूँगा, मैंशन नहीं करूँगा तो आप मेरी ज़ुबान से सुन लें। कराची सदर अमा टावर साकिब भाई, शॉप नंबर आपको मैं नीचे मैंशन कर रहा हूँ, तो आप जाइए और पहले पाइए। खास तौर पर ये मोबाइल लॉन्च हुआ है वो पबजी लवर के लिए हुआ है, बेहतरीन ग्लासेस और रोटेट के साथ। अगर आप पबजी खेलते हैं, अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो ये सबसे बेस्ट कैमरा है, क्योंकि इसका जो वाइड एंगल है वो बहुत ही शानदार है, जैसे कि किसी एक्शन कैमरा गोप्रो वगैरह का होता है। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। सब्सक्राइब किए बगैर ही देख लिया होगा आपने सारा व्लॉग। सब्सक्राइब ठोक दो भाई, सब्सक्राइब ठोक दो, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मेरा दिल टूटता जा रहा है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। ऐसी वीडियोस आपके लिए कहाँ से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल के साथ साथ हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। फी मान अल्लाह।